नोटबंदी के बाद ये पहला बजट है जो माननीय वित्त मंत्री जी पेश करने जा रहे हैं। नोटबंदी को लेकर भारत सरकार की और मोदी जी के इस कदम की कई आलोचनाएं हुई हैं। विशेष आलोचना ये हुई है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के दर को और गति को रोका है, और इस आलोचना का अब सरकार को वित्त मंत्री जी के माध्यम से और इस बजट के माध्यम से उचित जवाब देना पड़ेगा। उस दृष्टि में ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर नीचे तबके लोगों को एक इकोनॉमिक साइकिल है या आर्थिक चक्र है, उसके अंदर जुड़ने का तेजी से मौका मिले। इसके अंतर्गत मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें कुछ ऐसे प्रयोग करने पड़ेंगे या कुछ ऐसी नीतियां बजट के माध्यम से घोषित पड़ेगी जिससे नीचे तबके के लोगों को व्यवसाय करने में कम दिक्कतें हुई, और ये व्यापारी वर्ग और व्यवसायियों के विरुद्ध जो एक सरकार का मानस बना हुआ है कि वो कर चोरी के लिए जिम्मेदार है और एक काला धन या ब्लैक मनी उनके पास ज्यादा है, इस मिथ को उनको तोड़ना पड़ेगा और उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि सरकार उनके साथ है, और जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे जो व्यवसाय हैं वो देखा जाए तो हमारे देश में जो रोजगार देते हैं वो जड़ है रोजगार देने के। इस बजट से जो उम्मीदें हैं वो हमारी ये हैं कि एक टैक्सेशन की दर जो कर लगाती है भारत सरकार इनकम टैक्स के माध्यम से, उसको कम किया जाए, कर प्रणाली को सरल किया जाए, जो सर्वे और सर्च के या जो इनकम टैक्स के द्वारा जो डराया जाता है, धमकाया जाता है या ये धारणा बनाई जाती है कि कर चोरी के लिए व्यापारी जिम्मेदार है, इस धारणा को गलत करके सरकार को उनके साथ आना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए कि अपना व्यवसाय किस तरह से बढ़ा पाए। जो इसका एक मूलभूत वजह यह हो सकती है कि अभी जो कैशलेस प्रणाली के अंदर जितने माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिस बात को इंगित कर रहे हैं या जोर दे रहे हैं, वो भारत सरकार की एक क्लिष्ट और बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था में और व्यवस्था में जो जनसंख्या 125 करोड़ से ज्यादा है उसमें एकदम लागू करना काफी कष्टप्रद है, और काफी लोगों को नोटबंदी की वजह से काफी नुकसान हुआ है और लोगों के रोजगार गए हैं। तो इस प्राथमिकता के साथ कि रोजगार लौटे, मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को इस विशेष बात पर विशेष ध्यान देना होगा।